हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बॉटनी की कौन कौन सी ब्रांचेस है और उन ब्रांचेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ताकि ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक सी सारा टॉपिक है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए बॉटनी, अगर आप जो है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बॉटनी की, बॉटनी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बॉटनी। तो मॉर्फोलॉजी, तो अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी इन दिस वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ओके, तो व्हाट वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ओके, तो जैसा कि आपने कोई भी अगर प्लांट देखे हैं, तो प्लांट तो देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि प्लांट का है ये शेप कैसा है या प्लांट की हाइट कैसी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बाहर से देख देख के पता लगा सकते हैं कि प्लांट जो है वो लंबा है या प्लांट छोटा है या प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप जो है बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। इसीलिए ये जो ब्रांच ऑफ बॉटनी है ये मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड ब्रांच ऑफ बॉटनी। तो सेकेंड ब्रांच की अगर बात करें एनाटॉमी, एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी पढ़ते हैं वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ओके, तो वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ओके, तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है ये कैसे हम लोग पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग की हेल्प से हम लोग जो है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। सपोज आपको कोई भी यहाँ पे स्टेम दे दिया जाए, ठीक है, सपोज ये स्टेम दे दिया जाए तो आप जो है लाइक ब्लेड से जो है इसके सेक्शन को ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे में कट करके आप देख सकते हैं, फिर ये जो आप सिंगल पोर्शन आप लिख के अगर आप माइक्रोस्कोप में आप इसे देखेंगे तो आपको जो है इस सिस्टम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने का कुछ इस शेप में मिलेगा। ठीक है, इस शेप में आपको कुछ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इसी चीज की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी। तो नेक्स्ट हमारा हिस्टोलॉजी, क्या है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। ओके, तो द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। ओके, सो हम लोग हिस्टोलॉजी में जो सेल्स और टिश्यूज की स्टडी करते हैं, अब स्टडी कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है वो कंपलसरी है, बिना माइक्रोस्कोप के जो है आप प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर, सो द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी की। तो नेक्स्ट है आपकी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल्स, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, तो साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं सेल की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले ले तो हम लोग इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
आपका गॉल्जी बॉडीज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो आप जो है इनकी स्टडी भी साइटोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो नेक्स्ट ब्रांच ब्रांच है बॉटनी की, वो क्या है, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, सो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज है उसकी जो है स्टडी कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप जो है फोटोसिंथेसिस जो हो सकता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या आपका हो सकता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, या आपका हो सकता है लोकोमो सॉरी या आपका हो सकता है ठीक है, या फोटोसिंथेसिस, या आपका इसमें जो हो सकता है वो रेस्पिरेशन हो सकता है, या हम जो है ऐसे कह सकते हैं डिफरेंट टाइम्स की जो हार्मोन सिग्नलिंग होती है, हार्मोन्स सिग्नलिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं आप वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, या आप जो इसमें ऑस्मोसिस पढ़ सकते हैं, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन ऑफ इन प्लांट्स। तो ये सब चीजें जो हैं आप वो पढ़ सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप जो है स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हार्मोन सिग्नलिंग या हार्मोन्स फंक्शन, स्पेशली प्लांट हार्मोन्स, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो ये सारे जो टॉपिक है वहां पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्या है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इन दिस प्लांट, इन दिस ब्रांच द प्लांट्स आर क्लासिफाइड, ओके। तो प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और किस बेस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक बेस पे जो है हम लोग इसमें जो है प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो इसी की जो स्टडी है उसे हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने देखे होंगे कि बहुत से फैमिलीज होती हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ग्रैमिनी फैमिली की, तो इसमें देखिए स्पेशल लाइक ग्रैमिनी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसकी जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है उनकी बेस पे जो है प्लांट को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैमिनी में देखें हम लोग, तो इसमें जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। तो ग्रैमिनी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उनमें जो फ्रूट है वो ग्रैमिनी टाइप का होगा, ठीक है, सॉरी जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस होगा ग्रैमिनी फैमिली में, ठीक है। ऐसे अगर बात करें यू फॉर बीएससी की, यू फॉर बीएससी जो कि एक फैमिली टैक्सोनॉमी की बीएससी, इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस आपको मिलेगा वो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो ऐसे करके क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट हैं उन्हें क्लासिफाई कर दिया किया जाता है, और क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो है इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनवायरमेंट ऑफ प्लांट्स एंड देयर कम्युनिटीज, ओके। तो वी स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट
ऑफ प्लांट्स एंड देयर कम्युनिटीज। ठीक है, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। ओके, तो इकोलॉजी हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ प्लांट्स एंड देयर कम्युनिटीज। ओके, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया प्लांट ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है। अब प्लांट ज्योग्राफी हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। ठीक है, तो प्लांट ज्योग्राफी हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सपोज कुछ प्लांट जो इंडियन ओरिजिन के तो इंडिया में प्रेजेंट है, कुछ जो है वो यूरोप में प्रेजेंट है। तो प्लांट ज्योग्राफी में लोग स्टडी करते हैं कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं जो कि अर्थ में प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और। कुछ और भी ब्रांच हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्रांच जो है वो देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट होगी नाइन्थ। जो नाइन्थ ब्रांच होगी वो आपकी क्या होगी? जेनेटिक्स। क्या हो गई? जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं? वी स्टडी विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्लियर? जैसा कि आप लोगों को पता होगा मेंडल ने जो भी लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये सारे लॉज जो हैं, और जो हेरिडिटी की स्टडी होती है कि जैसे कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्रॉम फादर टू सन और फ्रॉम मदर टू डॉटर ये जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, या अगर कभी जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सब चीजें जो है वो हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, या जो जेनेटिक्स से जीन से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं। ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो इन सब का जो स्टडी करते हैं हम लोग वो सारा आता है जेनेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। तो नेक्स्ट ब्रांच आपकी होगी प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट हो गई प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो वी स्टडी विद द डेवलपमेंट ऑफ विद द डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग इट आल्सो अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब क्या होता है कुछ वेराइटीज ऐसी होती है प्लांट्स की जो कि क्या होती है कभी कभी की पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती है, ड्रॉट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स वी कैन फॉर्म द प्लांट और वी कैन लाइक मैनुपुलेट द प्लांट और वी कैन इम्प्रूव द प्लांट इन सच अ वे दैट दे कैन रेजिस्टेंड टू द ड्रॉट और टू द सम अदर टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट ब्रीडिंग वी कैन लाइक वी कैन मेक द प्लांट विच आर डॉट्स रेजिस्टेंस एज वेल एज
एनी अदर टाइप ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस. ओके सो दैट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ओके नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी. सो इट विल बी अ एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी ओके तो नेक्स्ट विल बी अ एम्ब्रियोलॉजी. सो एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आप सपोज मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद जायगोट बताता है. ठीक है सबको पता है. अब यही जायगोट जो क्या होता है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में. ठीक है तो क्या होता है इसमें सपोज ये मेल गैमेट हो गया अगर सपोज. ठीक है और ये हो गया अगर फीमेल गैमेट. जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो बनता है एम्ब्रियो. ठीक है क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है. ठीक है अब इसी में जो है प्लूमूर भी होता है कॉटिलेडन्स भी होते हैं और रेडिकल भी होता है. ठीक है क्या हो गया आपका प्लूमूर भी होता है प्लूमूल कॉटिलेडन्स भी यहाँ पे आपका होता है. ठीक है प्लूमूल हो गया कॉटिलेडन्स हो गया और रेडिकल भी हो गया. ठीक है तो एम्ब्रियो में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट होते हैं. ठीक है अब क्या होता है जर्मिनेशन होता है. ठीक है एंड विद द हेल्प ऑफ जर्मिनेशन जो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है और उसके बाद जो है पूरा प्लांट बन जाता है. ठीक है सो ये सारा जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में. पहले क्या हुआ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए जायगोट बना फिर जायगोट से एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो में प्लूमूल कॉटिलेडन रेडिकल्स होते हैं. अब धीरे धीरे क्या होता है ये जो सीड है वो जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट होने के बाद जो है इंटायर प्लांट बन जाता है. तो इसी चीज की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है तो ऑल दीज डेवलपमेंट्स. सो ऑल दीज डेवलपमेंट फ्रॉम फ्यूजन टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटायर प्लांट. फॉर्मेशन ऑफ इंटायर प्लांट विल बी स्टडी अंडर एम्ब्रियोलॉजी. ओके अंडर एम्ब्रियोलॉजी क्लियर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच बॉटनी की जी. तो जो नेक्स्ट प्लांट ब्रांच है वो है पैलियो बॉटनी. क्या है पैलियो बॉटनी. ठीक है तो पैलियो बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं वी स्टडी ऑफ द फॉसिल प्लांट. ओके तो पैलियो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स. ऑफ फॉसिल प्लांट्स क्लियर. तो ये हो गया हमारा पैलियो बॉटनी. ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं. तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है इकोनॉमिक बॉटनी. इकोनॉमिक बॉटनी ठीक है तो इकोनॉमिक बॉटनी में क्या हम करते हैं वी स्टडी द प्लांट विद रेफरेंस टू देयर प्रोडक्ट्स. ओके तो इन द इकोनॉमिक बॉटनी वी स्टडी द प्लांट्स विद रेफरेंस टू देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन द मेडिसिन लाइक मेडिसिन. कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो आपको ऑयल्स देते हैं. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको फाइबर्स देते हैं. ठीक कुछ आपको वुड देते हैं कुछ आपको फ्यूल देते हैं. ठीक है तो इस इकोनॉमिक बॉटनी में हम स्टडी करते हैं उन प्लांट्स की विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स विच विल बी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ. ठीक है लाइक सम मेडिसिनल प्लांट्स सम ऑयल यील्डिंग प्लांट्स सम फाइबर यील्डिंग प्लांट्स सम वुड यील्डिंग प्लांट एंड सम प्लांट्स विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फ्यूल ऑल्सो. ओके तो ऑल दिस वी स्टडी अंडर द इकोनॉमिक बॉटनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. तो इट विल बी अ प्लांट पैथोलॉजी. प्लांट पैथोलॉजी तो आई थिंक आप लोग को पता ही होगा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में. तो
प्लांट पैथोलॉजी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज होती है प्लांट्स की, उसके सिम्टम्स और उसके जो कॉजल एजेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ओके, सो इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दे आर सिम्टम्स एंड कॉजल एजेंट्स। ओके, तो इन प्लांट पैथोलॉजी वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, दे आर सिम्टम्स एंड द कॉजल एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट डिजीज, तो ये सब जो डिजीज हैं ये सब की स्टडी हम करते हैं, साथ ही साथ जो इनके सिम्टम्स हैं कि प्लांट को अगर देखें कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई डिजीज प्लांट में हुई है तो उनके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ जो कॉजल एजेंट्स हैं कि जो डिजीज हो रही है ये बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है या फंगजाई के थ्रू हो रही है, तो ये डिजीज जो है कौन उसका कॉजल एजेंट है, तो इन सारी जो इसकी स्टडी हम करते हैं अंदर प्लांट पैथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और ब्रांच बॉटनी की जो कि है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग स्टडी करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वंस एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व वन। ओके, तो वी स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल वंस एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वी स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वंस एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इट, ठीक है। तो ऑल दिस वी स्टडी अंडर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, सो टुडे वी डिस्कस ऑलमोस्ट 15 ब्रांचेस ऑफ बॉटनी विच विल बी वेरी यूजफुल इफ यू आर स्टडिंग बॉटनी और इफ यू वॉन्ट लाइक सम डिटेल्ड लाइक स्टडी ऑफ बॉटनी देन यू शुड नो अबाउट ऑल दिस branches of botany. So today I discuss about the 15 branches of botany. So in the coming video we will discuss some more branches of botany. Okay, so that you can cover all the syllabus of the branches of botany. Okay, so अब मैं अपना जो वीडियो यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी अगर डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो ये जो वीडियो था ये ब्रांचेज ऑफ बॉटनी पार्ट 1 है, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ये जो वीडियो है ये ब्रांचेज ऑफ बॉटनी पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा जिसमें मैं कुछ और जो ब्रांचेज ऑफ बॉटनी की वो कवर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।